नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रजापति, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हमारे है सतरंग धाम, जो कि बाबा रामदेव की का धाम है, जो कि बहुत ही आध्यात्मिक और सुंदर जगह है। तो चलिए आज देखते हैं सतरंग धाम। सतरंग धाम दोस्तों, ये जगह राजकोट जिले के सतरंग तालुके से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और बोटाद जिले से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और मौजूदा समय में श्री हरिराम बापू इस पूरी जगह का संचालन करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि रामदेव पीर बाबा का जन्म लगभग आज से 600 साल पहले राजस्थान में स्थित रामदेवरा नाम की जगह पर हुआ था। और कहा जाता है कि रामदेव पीर बाबा साक्षात द्वारकाधीश यानी के स्वयं विष्णु देव के ही अवतार थे। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल राय जी था और उनकी माता जी का नाम मिनल देवी था। दोस्तों ये जगह काफी प्रसिद्ध है, इन सारी तस्वीरों को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते होंगे। दोस्तों यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों के लिए रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए जगह और खाने पीने के लिए भी व्यवस्था अच्छी तरह से मिल जाएगी। खासकर दिवाली की छुट्टियों में लोग जब चोटिला यात्रा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर विश्राम करने के लिए रुकते हैं। चलिए दोस्तों अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। दोस्तों बाबा रामदेव जी के मंदिर के ऊपर ही भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जो भी आप देख रहे हैं। दोस्तों अभी मैं सुबह के समय आया हूँ, इसलिए यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है, वरना यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। और हर महीने के बीज यानी कि द्वितीय तिथि के दिन यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला होता है। और आषाढ़ी मास द्वितीय तिथि के दिन भी यहाँ पर बहुत बड़ा मेला होता है। दोस्तों जिन लोगों के भाग्य में संतान सुख नहीं है, वैसे लोग यहाँ पर आकर बाबा रामदेव की मन्नत लेते हैं और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। और जब उनके बच्चे के जन्म के बाद उनकी तस्वीरें लोग यहाँ आकर लगाते हैं। ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वैसे ही लोगों की है जिनकी मन्नतें पूरी हो चुकी है और बाद में यहाँ आकर वो तस्वीरें लगाते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब यहाँ पर एक शिव मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों हर मास के द्वितीय तिथि को यहाँ पर शाम को संतवाणी भजन का कार्यक्रम होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और संतवाणी का आनंद लेते हैं। दोस्तों ये यहाँ की गौशाला है, बहुत सारी गाय है यहाँ पर। फ्रेंड ये यहाँ की भोजनशाला है, जो यहाँ पर आने वाले सभी यात्रिकों के लिए
प्रसाद एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, भोजन प्रसाद की सुविधा 365 दिन अविरत होती है, जो दोपहर को और शाम को होती है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मिलेंगे किसी और किसी नई जगह पर, तब के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।